बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बड़ी ख़बर है वो रशिया से और इमरान ख़ान से मुतल्लिक है। उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान तो बड़ा खुल के बात भी करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन दूसरी जानिब रशिया एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी तो है। और अगर रशिया खुल के, क्योंकि अगर उनको ये अंदाज़ा हो कि खान साहब के बारे में जो कुछ हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, और ऐसे में अगर वो खुल कर कप्तान की मदद को आ जाएं और कुछ गैर मामूली इकदामात करें जो पाकिस्तान के अंदर माजी में हमें नहीं मिलते रहे और उसकी मिसालें एक बड़ी हट के हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब खेल दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया है। इस्लामाबाद से लोग ये दावे कर रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो नर्व्स की गेम जीत गए हैं। अब प्यूटन ने किस तरह से इमरान खान की मदद की है, किस तरह से ये सारी चीज़ें खान साहब के हक़ में बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी खबर है वो चीन से मुतल्लिक है। चूँकि कहा ये जा रहा है जी वहाँ से हमें कोई फाइनेंसिंग का मामला है, इस वक्त तक बात नहीं बन रही। जनरल बाजवा साहब भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन बात सिर्फ बयानात की हद तक है, जिसके बाद आज हुकूमत ने कुछ मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए खबरें लगवाई हैं जिसमें तासुर ये देने की कोशिश की है कि चीन ने कहा है कि अब जो हम आपकी मदद करेंगे उसकी माजी में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब एक सूरत हाल तो ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और ख़बर सुन लीजिए जो इन चीज़ों से हट के है कि शहबाज शरीफ और उनकी जो कंपनी है वो मुकम्मल तौर पे एक बंद गली में पहुंच चुके हैं जहां पे किसी के पास कोई आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब तो जरदारी साहब जो हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हम इस मुल्क को ख़ुद को फील करेंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँच रहे। कप्तान ने दो बातें कल के रोज़ इंकशाफ किया, एक दफ्तर खारजा की जानिब से और एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। पहला मसला क्या था, खान साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, इसलिए आप कोशिश करें। और खान साहब की चूँकि एक 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 खाने के ऊपर पहले जो है मुलाकात हो चुकी थी प्यूटन के साथ और प्यूटन ने बड़े तहम्मुल के साथ खान साहब को सुना था, तो ये थी कि खान साहब ये नामुमकिन काम मुमकिन कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा, मुझे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमें रशिया से वेपन्स चाहिए, इसलिए आप रशिया के करीब जाएं। लेकिन खान साहब के मुताबिक ये सारा कुछ जब हो गया तो वो रशिया चले गए, लेकिन बाद में तासुर ये दिया गया कि रशिया जाने का फैसला इमरान खान का था, शायद इसमें जो बाकी हलके हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं थे। अब ये तासुर किसको दिलाया गया, जारी बात है ये उस बड़ी ताकत को जिसकी वजह से ये सारे सूरत हाल बने। फिर आज से एक दो रोज़ पहले प्यूटन साहब ने एक बयान दिया जो बयान बड़ा सादा था, हमें ये लगा शायद वो हमारे बारे में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई मुल्क सॉवरन मुल्क जो है वो आज़ादाना तौर पे फैसले नहीं ले सकता और वो किसी के फैसलों का पाबंद है तो आप उसको सॉवरन मुल्क की बजाय कॉलोनी कहेंगे। तो लोगों ने कहा शायद पाकिस्तान के ऊपर टॉन्ट किया गया। अब दो और हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया और जो प्यूटन हैं वो खान साहब की मदद कर रहे हैं। मदद से मुराद ये है कि वो उनके उस नैरेटिव को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी गई है उनके साथ हाथ मिलाने के ऊपर, तो इसकी कोई कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है, आज से चंद रोज़ पहले हुआ ये कि रूस के कराची में कौंसल जनरल नया है, कौंसल जनरल ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गैर मामूली थी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आम तौर पे साल के आखिर में एक होती है जिसमें सुफरा जो होते हैं या जो भी नुमाइंदे डिप्लोमेटिक हों वो बताते हैं जी हमने साल में मुल्क के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए क्या कोशिश की, क्या बेहतरी आई, क्या टारगेट्स अचीव किए, क्या नए टारगेट सेट किए। लेकिन कौंसल जनरल ने आते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गैर मामूली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज तौर पर कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान के और हमारे दरमियान तेल वाले मामले के ऊपर बात हुई थी और अगर मौजूदा हुकूमत भी राबता करे
तो हम सस्ता तेल जो है वो पाकिस्तान को फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्यों करेगी? आपको सबको अंदाज़ा है, आप सब जानते हैं सारी सूरत हाल को। अब हुआ ये है कि बात कौंसल जनरल से रूस के सफ़ीर के ऊपर आ गई है। डैनियल गिनेश जो हैं इस वक्त रशिया के पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं, और सफ़ीर बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, सफ़ीर बहुत कम मीडिया के अंदर और टीवी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और कहा जाता है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो ज़बान से कम बोलते हैं, वो एक्शन से करके दिखाते हैं। लेकिन जो डैनियल गिनेश हैं, जो रशियन सफ़ीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, शौकत पराजा साहब ने उनका इंटरव्यू किया है, जिसके अंदर उनसे ये सवाल पूछा गया है कि चलिए खान साहब तो जो कहते हैं सो कहते हैं, रशिया क्या समझता है कि खान साहब का ये दावा किस हद तक हकीकत पे मबनी है कि उनकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटाई गई कि उन्होंने रूस का दौरा किया या रूस के वो करीब गए। जिस पे जो डैनियल गिनेश हैं, एक तो वो मुस्कुराए, उनकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज थी, जिसका मतलब ये था कि आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता नहीं है कि खान साहब को क्या सज़ा दी गई है या खान साहब के साथ हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उनमें से एक रशियन दौरा भी उसके अंदर शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि अब रशियंस ने खुल के पब्लिक लेवल के ऊपर खान के अब मदद कैसे है? अब जब तक खान साहब ये बात कर रहे थे तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप्स मजाक उड़ा रहे थे कि खान साहब अपनी सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी स्कोरिंग के लिए चीज़ें कर रहे हैं। आपने कहा जी खान साहब ने तेल के मामले के ऊपर जो है वो कोई कुछ नहीं किया, नून लीग ने और सब ने कहा, उन्होंने अपने कौंसल जनरल के ज़रिए कहलवा दिया जी बिल्कुल तेल जो है वो हमने इनके साथ चाहते थे और हमारी बातचीत भी हुई। फिर आपने कहा जी नहीं जी ये रशियन वाला तो ये तो हुकूमत गिराने वाला कोई मसला नहीं है, खान साहब ऐसे ही रोला डाल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने सफ़ीर के ज़रिए जब ये कहलवा दिया कि जी बिल्कुल हम ये समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत इसलिए गई है और खान साहब को सज़ा ही हमारी वजह से दी गई है, तो अब मेरा ख्याल है ये दूसरा नैरेटिव भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो अब किसी मामले के अंदर अगर कोई कसर रह गई है इस हुकूमत के हवाले से तो वो अब पैसों का मामला है, वो भी ज़रा खबर सुन लीजिए। चीन वाला जो मामला है जनाब, चीन से चूँकि पैसों की रिक्वेस्ट की गई, अभी तक बात बनी नहीं है, चीन ने हाथ हटा लिया है। एक तो मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी कि अभी तक जो शहबाज शरीफ हैं उनको दौरे की दावत नहीं मिल रही। आपने टर्की का दौरा कर लिया, आपने सऊदी अरब का दौरा कर लिया, आपने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर लिया, ख्वाहिश के बावजूद वहाँ से इनविटेशन नहीं आ रहा। फिर पैसों का मामला है, जनरल बाजवा भी गए और वो एक पाकिस्तान के अखबार ने लिखा कि जनरल बाजवा के जाने के साथ जो है जी अब पाकिस्तान को वहाँ से 2-2.5 अरब डॉलर का जो मसला है वो हल हो जाएगा, लेकिन वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज हुकूमत ने मीडिया के ज़रिए खबर चलवाई और वो खबर ये है कि जनाब चीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पहले से ज़्यादा तआवुन करेंगे, मुश्किल वो हमेशा करते हैं, मसला हमारी हुकूमत का है, लोग इसके ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं हैं। आप अंदाज़ा इस बात से करें कि आपने बजट दिया, आपने इकदाम लिए और सूरत हाल बदल नहीं रही। इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर है वो 203 रुपये का हो गया है आज, यानी आपके बजट के बाद तो होना ये चाहिए था मार्केट में स्टेबिलिटी आती और वो स्टेबिलिटी नहीं आती। उधर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों से मुलाकात की है और सालिक हुसैन से मुलाकात में उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान गंदम की पैदावार, बरामदात और दीगर मामलात में खुद कफील हो। पूछना ये था कि ये जो खुद के फालत वाली सूरत हाल से हम निकले हैं, हम एक ज़माने में खुद कफील थे, ये आप लोगों की बदौलत ही निकले हैं, ये आप लोगों का मसला ही है। फिर ज़रा बजट के हवाले से, पंजाब चुका है बजट आना है तो इस वक्त ये बंद गली के अंदर हैं, चूँकि आवाज़ की बुनियाद के ऊपर फैसला होना है तो स्पीकर साहब, फिर एक और बात है, कहा यह जा रहा है कि आपने अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर बजट पास होना है, तो अक्सरियत तो है ही नहीं है, अब कानूनी नुक्ता यहाँ पर पैदा हो गया। फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आपको खबर दूँ, तहरीक इंसाफ के दोस्त बुरा मान जाएंगे कि इस वक्त अगले महीने इलेक्शन होना है और एक महीना रह गया इलेक्शन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, ना उनका ऐलान किया है, और मुखालिफ जमात जो है उन्हें टिकट्स भी दे दिए हुए हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे तो मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन कैंपेन आधे से ज़्यादा अपनी ख़त्म कर चुकी होगी। ये आपके लूप होल्स हैं, ये आपकी कमजोरियाँ हैं जिसका बाद में फ़ायदा उठाया जाता है, फिर आप शोर करेंगे, यानी आप अंदाज़ा करें कि आपने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में एक महीना भी नहीं है और आप अभी तक आपके उम्मीदवार फाइनल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।